जी बिहार झारखंड से खास बातचीत में कहा कि लालू यादव जानबूझकर आरक्षण और संविधान को लेकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर राजनीति करने के लिए कोई बोलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर बोलते हैं तो उनको संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अम्बेडकर साहब ने संविधान के प्रारूप को बनाया, उसमें जो आरक्षण मिला है उसमें कटौती का कहाँ कोई प्रस्ताव है। जब तक हमारा संविधान है उसमें कोई आरक्षण को नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि बिहार और देश की जनता लालू यादव को समझ चुकी है, आरक्षण का आधार धार्मिक नहीं है, और यही बात हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बता रहे हैं। विपक्ष कुछ भी कर ले जीतने वाला नहीं है। जतन राम मांझी से बात की जी मीडिया संवाददाता रूपेंद्र श्रीवास्तव ने। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हमारे साथ हैं। मांझी जी, देखा जाए जिस तरह से आरक्षण को लेकर बात हो रही है, संविधान खत्म करने की बात विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस आरजेडी, आप किस तरह से देखते हैं तमाम चीज़ों को इस इलेक्शन में? देखिए, चुनाव के पर्पस से राजनीति करने के लिए अगर कोई कुछ बोलता है तो उससे हमको कुछ नहीं करना है। जानबूझ करके बोलता होगा तो एक उसकी बात है, और नहीं तो हमको तो लगता है कि संविधान की जानकारी नहीं है इसके चलते भी वैसा लोग बोलते हैं। संविधान की जानकारी नहीं है मैं इसलिए कहता हूँ कि अंबेडकर साहब ने संविधान का प्रारूप बनाया या संविधान को बनाया उन्होंने, उसमें जो हम लोगों को आरक्षण मिला है उस आरक्षण के कटौती का कहाँ कोई प्रस्ताव है, कहाँ कोई प्रोविजन है? तो जब तक हमारा ये संविधान है तब तक हमारे आरक्षण को कौन छीन सकता है, चाहे किसी की सरकार क्यों ना हो। जहाँ तक इस सरकार की बात है तो जो हमारा मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी हैं, रिपीटेडली एक बार नहीं बार बार अनेक बार बोल रहे हैं कि किसी भी सूरत में हम आरक्षण के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान है उसको मैं मानता हूँ, इसलिए कभी वो चेंज नहीं होगा। तो फिर इस पर बात करना बेतुकी है, सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसा लोग बोल रहे हैं। लेकिन लालू यादव लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं अपने हैंडल से, और लगातार वो बयान दे रहे हैं इस तरह की, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी इसी तरह के बयान दे रहे हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति तो हो रही है। मेरा कहने का मतलब तो पहले ही मैंने कहा कि राजनीतिक पर्पस से ऐसा लोग बोल सकते हैं या अज्ञानता बस बोल सकते हैं, लेकिन जहां लालू जी की बात करते हैं वो अज्ञानी नहीं है, वो जानबूझ करके फ्लोट करना चाहते हैं विचारधारा जिससे कि समाज में भ्रम फैले। लेकिन भारत की जनता और बिहार का मतदाता इतना प्रौढ़ हो गया है कि लालू जी को बहुत बढ़िया से समझ लिया है कि लालू जी किस समय क्या बोलते हैं, अपने हित के लिए बोलते हैं। तो ये थे जीतनराम मांझी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरक्षण को लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है वो सही नहीं है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि आरक्षण जो है वो धर्म के आधार पर नहीं बांटा जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया।